हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, आवर यूनिट 3 इज कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में जैसे मैंने आपको कीबोर्ड बना के एक्सप्लेन किया था कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप नंबर्स, लेटर्स एंड वर्ड्स ऑन ए कंप्यूटर। अपन कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, वो किसमें कौन से पार्ट्स को यूज में लेंगे? कंप्यूटर का कीबोर्ड को। सो कीबोर्ड इज मैन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब उसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल बटन्स होते हैं वो मैंने आपको क्या बताए थे, कीज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीज। सो वो कीज डिफरेंट अलग अलग तरह की कीज होती है जो अलग अलग तरह से यूज में ली जाती है। फर्स्ट कीज मैंने आपको बताई थी अल्फाबेट कीज। सो स्टूडेंट्स, अल्फाबेट कीज कौन सी होती है, ए टू जेड, जिसमें ए बी सी डी जितनी भी होती है, तो वो कितनी होती है, 26। नेक्स्ट है नंबर कीज। तो नंबर कीज के कितने सेट होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, 2 सेट होते हैं। सो नंबर कीज कितनी होती है, 10। थर्ड है एंटर कीज। तो एंटर कीज कितनी बताइए मैंने आपको, 2। एंड फोर्थ स्पेस बार। सो स्पेस बार की कितनी होती है कीबोर्ड में, 1। बैक स्पेस की, 1। डिलीट की, 2। एंड एरो की, 4। तो ये कीज कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती है जिन्हें हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड के ऊपर यूज में लेते हैं। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्फाबेट कीज को कैसे यूज में लेते हैं। लाइक आपको अपना नेम टाइप करना है, तो आप लिखोगे माय नेम इज पूजा। तो आपने अपना नेम जो है वो टाइप किया, तो आपने कौन सी की यूज में ली, अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट की के साथ एक अदर की कौन सी यूज में हो रही है, स्पेस बार। तो स्टूडेंट्स देखिए, एम वाई ये आपने किससे लिखा, अल्फाबेट की से, बट आपने बीच में टू वर्ड्स के बीच में स्पेस रखा है, तो वो स्पेस अपन कौन सी की से देंगे, स्पेस बार। एंड स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में, तो अपन स्पेस किससे दे रहे हैं, स्पेस बार से। तो यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, तो ये स्पेस बार की यूज में ली। नेक्स्ट एन एम ई टाइप किया, सो एन एम ई टाइप किया तो कौन सी की यूज में ले रहे, अल्फाबेट की। फिर नेक्स्ट दोबारा मैंने अगेन मैंने स्पेस दिया है, तो दोबारा कौन सी की यूज में आएगी, स्पेस बार। एंड देन इज एंड पूजा। सो ये इसमें दो कीज यूज में हो रही है, एक तो अल्फाबेट एंड एक स्पेस बार, ये दो की इसमें यूज की जा रही है। नेक्स्ट आप देखिए नंबर कीज। सो स्टूडेंट, नंबर कीज आप यूज में लोगे तो आप यहाँ पे लिख रहे हो माय कॉन्टेक्ट नंबर, आपको लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लिखने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये किससे टाइप करोगे आप, नंबर कीज से। अब इसमें और की कौन सी यूज हो रही है, अल्फाबेट की एंड स्पेस बार। तो इसमें कितनी कीज यूज में हो रही है, 3। फर्स्ट कौन सी है, अल्फाबेट की, जिससे आपने एम वाई माय कॉन्टेक्ट नंबर इतना किससे टाइप किया आपने, अल्फाबेट की से। फिर आपने स्पेस लिया है, यहाँ स्पेस दिया है, यहाँ स्पेस दिया है, तो ये कौन सी की यूज में ली, स्पेस बार। नेक्स्ट आपने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखे हैं, तो कौन सी की यूज में ली है, नंबर की। तो ये होगी 3 कीज इसमें आ गई। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एरो की। तो एरो की देखिए, अप डाउन लेफ्ट राइट, एरो की कितनी होती है, 4। जो कीबोर्ड के ऊपर आपको, आप गेम खेलते हो तब भी यूज में लेते हो, कोई भी अपन फाइल ओपन कर रखी है तो या फिर टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको कर्सर के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू आप इधर लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, या किसी चीज को ऊपर अप डाउन करना है, तो अपन कौन सी की यूज में लेंगे, एरो की। तो एरो की कितनी होती है, 4। नेक्स्ट है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपकी बैक स्पेस की एंड डिलीट की। डिलीट ये दोनों कीज क्या करती है, लेटर्स को रिमूव करने या फिर हटाने का काम दोनों कीज करती है, बट सम डिफरेंस, अब इन दोनों में वन डिफरेंस है कि बैक स्पेस की जो होती है वो राइट साइड ऑफ कर्सर, जो कर्सर का राइट साइड होता है, जब अपन टाइप करते हैं तो ऐसा सिंबल आता है, तो इसके राइट साइड से लेटर्स को रिमूव करेगी, हटाएगी। एंड डिलीट की लेफ्ट ऑफ कर्सर, जो कर्सर का लेफ्ट साइड से अपन क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। तो बट दोनों कीज रिमूव लेटर्स किसी भी डिलीट करने या फिर हटाने के लिए दोनों कीज यूज में ली जाती है, बस डिफरेंस इतना है कि बैक स्पेस राइट साइड से करती है
एंड डिलीट की लेफ्ट साइड से करती है। अब नेक्स्ट है एंटर की। सो स्टूडेंट्स एंटर की वो होती है जैसे आपने यहाँ पे लिखा माय नेम इज पूजा, इतना आपने टाइप कर दिया। ओके फिर आप ये चाहते हो कि मेरे को आगे नहीं जाना है, डायरेक्ट नीचे की साइड आना है, तो आप कौन सी कीज यूज में लोगे? एंटर की। एंटर की क्या करती है, तुरंत कर्सर को नीचे ले आती है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, सो स्टूडेंट्स आपने ये जो लाइन लिखी है वो आपने यहाँ नहीं लिखी, आप ये चाहते थे कि मेरी ये वाली लाइन कहाँ आए, जस्ट इसके नीचे आए, तो अपन ने कौन सी की यूज में ली है, एंटर की। एंटर की से क्या करता है, कर्सर तुरंत नीचे की लाइन में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो आपको ये लर्न करनी है कि कीबोर्ड में अल्फाबेट की कितनी होती है, नंबर की कितनी होती है, डिलीट की कितनी होती है, स्पेस बार की कितनी होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ अपनी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।